बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, जैसा कि हम 10th क्लास की मैथ कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, इनके हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स के वैल्यू दिए गए हैं कि एक्स बराबर है 2 के, वाई बराबर है -1 के एंड जी बराबर है 3 के। इसी तरह यहाँ पे एक्स के वेरिएबल्स के जो है वैल्यू रखे गए हैं, तो हमें इसके वैल्यू जो है पुट करके रखना है इस एक्सप्रेशन में और उसे सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे वीडियो को कम्प्लीट देखें जी। तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें एक है 2x² - 3yz। ये करना है जबकि इन वेरिएबल्स के वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं कि x बराबर है 2 के और y बराबर है -1 के और z बराबर है 3 के। तो आइए इसके वेरिएबल्स के वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x² - 3yz। ये अब हम इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब ये जो 2 है, ये एक्स स्क्वायर जो है इस 2 से मल्टीप्लाई में, तो आप मल्टीप्लाई की साइन दे सकते हैं और उसके बाद जो है आप ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 2, और उस पर स्क्वायर दे देंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस दे देंगे और 3 वैसे रखेंगे, और वाई का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, और जी का वैल्यू है 3। तो आगे करेंगे इसे। अब हम ये देखें 2 वैसे रखेंगे, 2 पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, 3 × 3 हो जाएगा, और सॉरी 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये भी इससे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 9 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे 2×4 = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस में 9 लिखेंगे। अब 8 और 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये आ गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। तो पार्ट 2 दिया गया है कि 2x⁴ - 3x³ + 4x² - 2x + 3, जबकि x जो है वो 3 के बराबर है, x का वैल्यू 3 है। तो रखते हैं यहाँ पे 2 ऐसे रखेंगे, अब x इससे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, x का वैल्यू क्या है 3 है, तो उस पर power 4 है तो 4 दे देंगे, -3 रखेंगे, और x³ है तो x का वैल्यू रखेंगे 3 और उस पर क्यूब दे देंगे, और यहाँ से प्लस देंगे और 4 रखेंगे, और x का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे और उस पर स्क्वायर दे देंगे, -2 रखेंगे और x का वैल्यू रखेंगे 3 है और प्लस में 3 दे देंगे, ठीक है। अब ये 2 वैसे रखेंगे, पहले पावर हम सॉल्व करेंगे। अब 3 को 3 पे 4 पावर है, तो 3 को हम अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 81, ठीक है। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आएगा। उसके बाद हम 3 वैसे लिखेंगे और 3 पे 3 पावर है, तो 3 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। और उसके बाद प्लस 4 वैसे रखेंगे और 3 पे 2 पावर है, तो 3 को अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, -2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 3 रखेंगे। आगे करेंगे इसे, तो 2
एटी वन का क्या हो जाएगा, वन टू द टू हो जाएगा और टू एट द सिक्सटीन हो जाएगा, ये हो जाएगा 162। माइनस 327 द हो जाएगा 81, और उसके बाद 81 हो जाएगा प्लस, प्लस की साइन दे देंगे, 49 द कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। अब आगे करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे 162 प्लस का है और ये माइनस का है 81, तो 162 में से 81 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 198 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो ये जो है हम, जी सॉरी, यहाँ पे पहले हम जो है प्लस वाले आपस में करेंगे, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। 162 में हम जब 36 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 198। पहले हम प्लस वाले ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को हम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी। अब 81 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 84 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये प्लस का है और ये माइनस का है, 198 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 114 बचेगा, तो ये इसका आंसर है। कैसे, अब 4 में से आप 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, और 19 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो ये था पार्ट नंबर 2 का आंसर जी। तो इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें के 4x² माइनस 3ab प्लस bc, तो इसमें वैल्यू दिए गए इन तीनों वेरिएबल्स के, कि यहाँ पे सॉरी ये a है, x नहीं है, ये a है, ठीक है, तीनों के, कि a इक्वल है 0 के, b इक्वल है 4 के और c इक्वल है 1 के। तो आइए करते हैं, 4 रखेंगे और a का वैल्यू क्या है, 0, और उस पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस 3 रखेंगे और a रखेंगे, a 0 है, और उसके बाद b रखेंगे, b क्या है, 4 है, और प्लस की साइन दे देंगे, और यहाँ पे हम जो है b और c रखेंगे, b क्या है 4 और c क्या है 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो आगे करेंगे इसे, आगे करेंगे, देखें जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 है और ये 0 से मल्टीप्लाई में है, ठीक है, माइनस का 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो वही 0 हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस, प्लस की साइन दे देंगे, और अब लिखेंगे 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 1 को, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये माइनस नहीं होगा 4 से में 0, क्योंकि ये 0 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। जी तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसके 3 क्वेश्चन हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।